हम बात करते हैं सबसे पहले अपना जो फर्स्ट डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इस डिडक्शन की छूट किसको मिलती है? इंडिविजुअल और HUF को। बात करते हैं किस लिए बनाया जाता है 80C का। जो मेन पर्पस है वो है हमारी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना या उसे बढ़ाना। इसमें जो छूट मिलती है, जितना हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो, या मैक्सिमम 1.5 लाख, दोनों में से जो कम है उसकी वो छूट ले सकता है SSC। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट किस में कर सकते हैं। सबसे पहला जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में। इसके लिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है अगर वो 1 अप्रैल 2012 के बाद की है तो जो छूट मिलेगी वो मैक्सिमम 10% तक ही होगी। यानी पॉलिसी जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका मैक्सिमम 10% या एक्चुअल में जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया होगा, दोनों में से जो कम है उसकी छूट मिलेगी। सेकेंड पॉइंट इसी में है, अगर वो पॉलिसी हमने 1 अप्रैल 2012 से पहले के लिए, तो सम एश्योर्ड अमाउंट का मैक्सिमम 20% तक की ही छूट हो सकती है। यानी एक्चुअल में जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया होगा उस पॉलिसी में वो, या उस सम एश्योर्ड अमाउंट का 20%, दोनों में से जो भी कम आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे और क्या चीज़ें होती हैं इसमें इन्वेस्टमेंट में। अगर हम किसी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, सुपर एनुएशन फंड भी हो सकता है। यानी अगर हम इनमें से किसी भी प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी हम छूट ले सकते हैं, किसमें? सेक्शन 80C में। थर्ड है, अगर हमने कोई हाउसिंग लोन लिया है उसका हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसकी भी छूट मिलेगी 80C में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम पोस्ट ऑफिस के किसी टाइम डिपॉजिट में या बैंक्स की किसी FD में या नाबार्ड्स बॉन्ड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो उसकी छूट ले सकते हैं, किसमें? सेक्शन 80C में। लास्ट है इसमें, अगर हम ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं कि 2 बच्चों की, तो उसकी छूट भी हम ले सकते हैं सेक्शन 80C में। यानी 80C जो है मेन हमारी सेविंग्स को बढ़ा रहा है, सेविंग्स को प्रमोट कर रहा है। बस इसमें याद रखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन सब में हम जितना पैसा लगा रहे हैं यानी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, या मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख की, दोनों में से जो कम आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी छूट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने अमाउंट लगाई है कितनी, 1 लाख, या अमाउंट लगाई है हमने टोटल 2 लाख और मैक्सिमम लिमिट है कितनी, 1.5 लाख की, तो हमें छूट कितने की मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख की। बचा हुआ 50,000 जो है हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे।